नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। देहरादून में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शादाब शम ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यक से जुड़ी कई योजनाएं चल रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं जिसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शादाब शम ने नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में अल्पसंख्यक से जुड़ी विभिन्न योजनाएं चल रही है। उन्हीं योजनाओं में से पछुआ दोनों में 24 करोड़ की लागत से बन रही योजनाओं का निरीक्षण किया और संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं, फोन को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक ने कहा कि गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई ये सोचता है कि अधिकारियों से साठ गांठ कर पैसे लेकर मानक को अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा सरकार पूर्व की सरकार नहीं है, हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी कि पछुआ दून क्षेत्र के शीतला नदी और भीमा वाला में यमुना नदी में पुल बनेगा। भूलना बनने से क्षेत्र की जनता में मायूसी है। बरसात के मौसम से आम लोगों को कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो इस विषय पर मुख्यमंत्री से वार्ता करूंगा और इसका समाधान होगा। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के विषय में उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। जब इस बात पर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो एक साल से मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है तो कैसे संभव होगा। अब इन शिक्षकों को ASPCM से जोड़ दिया गया है। शिक्षा विभाग के अध्यापकों के समान वेतन मिलेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि SPCM और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ है। इसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। को हमने डायरेक्ट शिक्षा विभाग से अब जोड़ दिया है। पहले ये अलग विभाग से आता था, अब शिक्षा विभाग में जैसे बाकी टीचर्स को तनख्वाह मिलती है वैसे इनको भी मिलेगी।